बारे में बताइए हमारी जनता को कि किस तरह की फिल्म होने वाली है, क्या कुछ देखने मिलेगा। इस फिल्म को मसाला फिल्म तो नहीं है, इसको इंटरटेनमेंट की दृष्टि से ना देखें, ये बियॉन्ड इंटरटेनमेंट है, इंटरटेनमेंट से ऊपर की चीज़ है। और इसमें संस्कृति को मैं हम लोगों ने दिखाने की पूरी कोशिश करी है, जैसे कि संस्कृति हम अपनी भूलते जा रहे हैं, और हमारी एक बहुत बड़ी आबादी गांवों में बसती है, और शहरी दिखावा एक अलग चीज़ है, होना चाहिए बिल्कुल, ऐसा हम ये नहीं कहते, लेकिन किसी न किसी तरह हम किसी को भी अगर गाँवों के करीब ले गए तो ये हमारी थोड़ी सी जीत हो सकती है। बिल्कुल, मैं तो यही देख रहा हूँ इसमें कि जो कल्चरल डिपार्टमेंट है भारत सरकार का, वो भी प्रयास कर रहा है कि हमारे जो सभ्यताएं हैं, हमारी जो संस्कृतियां हैं, जो हमारे कल्चर हैं हर प्रदेश में अलग अलग, उसको बचाने के लिए पूरा प्रयास कर रहा है, और हमारी ये मूवी भी वही कर रही है। किसानों को बहुत बड़ी उनकी पॉपुलेशन होती है और उनको वो प्रॉफिट नहीं मिल पाता है, जिसके कारण उनकी तमाम समस्याएँ हैं, आत्महत्या, भंडारण, ड्राट, सूखा, तमाम ऐसी चीज़ें हैं उनको लेकर के, उन सारे मुद्दों को ये उठाती है और क्या क्या उसके सलूशन हो सकते हैं ये मूवी में पूरा दिखाई पड़ता है। मुझे लगता है एक सार्थक प्रयास है ये। सर, इसके अलावा जो मुद्दा चल रहा था किसानों का और अभी जो है ख़त्म हुआ है वो, लेकिन आपको लगता है कि थोड़ा एज अ डायरेक्टर थोड़ा सा चैलेंजिंग था कि इस तरह के मुद्दे को भी लोगों के सामने लाया जाए और किसानों की जो तकलीफ है वो सबके सामने लाई जाए? किसानों की वास्तव में तकलीफ यहाँ पे लाई गई है, और जो अभी मुद्दा चल रहा था इससे पहले फिल्म शूट हो चुकी थी, तो इसलिए उस बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। जो जिन किसानों की पावर्टी को मैंने अपनी नज़दीकी से देखा है, तो फिल्म हमने उस पर बनाई है, ये किसी मुद्दे पे नहीं है, किसी के ऊपर हमने उंगली नहीं उठाई है। हम अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे प्यार कर सकते हैं, किसी को कैसे प्यार दे सकते हैं, पूरे इसी पे डिमांड है ये फिल्म। सर, इसके अलावा एक ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि किसान हर साल इतने सारे किसान जो है आत्महत्या करते हैं, तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप लोग क्योंकि आपने ये फिल्म बनाई? मेन किसानों की आत्महत्या के ऊपर ही फिल्म ये डिपेंड कर रही है, पूरी की पूरी फिल्म। और एक इंसान आत्महत्या क्यों करता है? जब वो अपनी ज़िंदगी से निराश हो जाता है, एक तो उसका पेट नहीं भरा है, दूसरा वो इमोशनली कमज़ोर होता है, तो वो कैसे हम किसी को प्यार दे सकते हैं, या एक हमारा सरकारी कर्मचारी भी किस हद तक उसको मदद कर सकता है, या हमारी सरकार कैसे मदद कर सकती है, ये हमने पूरा दिखाने की कोशिश करी है। बिल्कुल, इसमें यही है कि सरकार कैसे कैसे किसानों को सहयोग कर रही है, किन योजनाओं से सहयोग कर रही है, आत्महत्या होने पर या उनको इससे बचाने के लिए क्या करती है, उनके परिवार को क्या क्या सहयोग दे सकती है, उन सारी चीज़ों को ये मूवी लेके आती है। आम किसान को इसको जागरूक करने की भी कोशिश करती है, और बहुत बड़ी जनसंख्या है किसानों की। मुझे लगता है कि यहाँ इस फिल्म बनाने में कोई रिस्क नहीं है, मुझे जो लग रहा है, और जो भी काम है, कोई भी बिजनेस हो, डेयरिंग तो होता है, बट प्रोड्यूसर ने जो काम किया है ये बहुत ही अच्छा काम किया है, इसमें कोई रिस्क नहीं है, ये मूवी सफल होगी। सर, आखिर में आपसे जानना चाहूँगा, ऑडियंस क्या मैसेज लेके जाएगी और क्या क्यों देखनी चाहिए फिल्म? ऑडियंस ये मैसेज लेके जाएगी कि बहुत ज़रूरी नहीं है कि हम मसाला फिल्म देख करके ही जाए, बिल्कुल देखें मसाला फिल्म भी, लेकिन इस तरह की फिल्में भी बननी चाहिए, ये हमारे वास्तव में भारतीय संस्कृति और गरीबों के पास ले जाती है, जो गरीब किसान हैं उनके पास ले जाती है। हम बहुत बड़े पैसे वाले बन के कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक हम इमोशनली किसी के लिए कुछ कर ना सकें, तो ये हमने दिखाने की कोशिश करी है। और एक सरकारी अधिकारी भी क्या कर सकता है, कैसे इमोशनल हो सकता है, ये भी हमने दिखाने की कोशिश करी है इसमें। बिल्कुल, मैं तो ये बताऊंगा कि लॉकडाउन में ये भी हमें देखने को मिला, पैसा होते हुए भी लोगों को घर में दिक्कतें हो जाती हैं, तो आप अनाज के महत्व को समझिए, किसान के उस डेडिकेशन को समझिए जो वर्ष भर वो परिश्रम करके उत्पादन करता है, तो हर व्यक्ति को थैंकफुल होना चाहिए किसान के प्रति, या उन जवानों के प्रति थैंकफुल होना चाहिए जिनकी वजह से हम सुरक्षित घरों में सो रहे हैं। तो ये फिल्म निश्चित रूप से उन हमारे जितने भी ऑडियंस हैं, जो व्यूअर्स होंगे, तो मैं कोशिश करूंगा, ये अच्छा है, उनसे निवेदन करना चाहूंगा, जरूर मूवी को देखें, इसके मैसेज को देखें, कहीं ना कहीं वो फील करेंगे तभी दूसरे को बता पाएंगे। थैंक यू।